हेलो स्टूडेंट आज हम अपने चैप्टर नंबर नाइन बुक्स ऑफ रीजनल एंट्री जर्नल में डिस्कस करेंगे कुछ अदर ट्रांज़ेक्शन से जर्नल एंट्री करना डियर जैसा कि मैंने यहाँ एक ट्रांजेक्शन ली है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर रुपीज़ टू लैक एट फाइव परसेंट कैश डिस्काउंट एंड टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट हाफ अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज अब दी हुई ट्रांजेक्शन में कुछ गुड्स कैश में खरीदी गुड्स खरीदी हैं लेकिन उसके लिए कुछ पेमेंट कैश में दे दे दी गई है और कुछ अभी कैश में देनी बाकी है अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रांजेक्शन की उन ट्रांजेक्शन में या तो कैश में खरीदी होती थी या क्रेडिट में अब इस ट्रांजेक्शन में बहुत पार्ट इंक्लूड किए गए हैं कुछ नहीं डियर सेम मेथड फॉलो करना है और कंपाउंड एंट्री कर देनी है दैट मीन यहाँ जो आपके अकाउंट क्रिएट होंगे वही सेम डियर जर्नल एंट्री करते वक्त इफेक्टेड सेम वही गुड्स कैश एंड त्रिशा गुड्स एसेट्स कैश एसेट्स त्रिशा नेम रियल रियल पर्सनल अकाउंट अब गुड्स बिजनेस में आ रही हैं तो दैट मीन डेबिट वट कम्स इन कैश जा रहा है क्योंकि कुछ कैश में पेमेंट हुई है तो कैश जा रहा है क्रेडिट वट गोज़ आउट अभी कुछ पेमेंट देनी बाकी है तो दैट मीन हम उस कंडीशन के अंदर गिवर्स को क्रेडिट करते हैं लाइबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट द गिवर त्रिशा एज ए गिवर ट्रीट हो जाएगी तो अब ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या होगी और अमाउंट क्या आएगा वो ध्यान देने वाली बात है जर्नल एंट्री तो हमने सीखा है कि जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं डेबिट और जो क्रेडिट हो रहे हैं क्रेडिट में प्रेजेंट कर दिए जाएंगे लेकिन इसके साथ यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि आपको डिस्काउंट भी दोनों दे रखे हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि कैश डिस्काउंट तो हम बुक्स में प्रेजेंट करते नहीं डायरेक्ट इन्वाइस की वैल्यू में से डिक्रीज़ करते हैं लेकिन कैश डिस्काउंट बुक के में प्रेजेंट करते हैं और यहाँ कैश हम क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं, क्रेडिट वट गोज आउट जा रहा है और कैश पे करते वक्त डियर डिस्काउंट क्या होगा रिसीव्ड होगा तो यहां एक अकाउंट और क्रिएट होगा जो क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड जो क्या है आपके लिए इनकम जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नोमिनल अकाउंट दैट मीन क्रेडिट ऑल द इनकम अब ऐसी कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या होगी और अमाउंट क्या दिखाएंगे डियर जर्नल एंट्री तो मेंटेन हो गई परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश कैश भी क्रेडिट हो रहा है टू डिस्काउंट रिसीव कैश पे करते वक्त डिस्काउंट रिसीव होगा तो वो भी क्रेडिट हो रहा है दैट मीन और कीवर टू त्रिशा क्रेडिट कर दिया अब बात सबसे बड़ी बात आती है अमाउंट तो अमाउंट कैसे करना है डियर सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कितने इनवाइस वैल्यू की गुड्स खरीदी है कितने की है बेटा टू लाख राइट अब फर्स्टली आपको क्या करना है डियर इसमें से टीडी लेस करना है दैट मीन ट्रेड डिस्काउंट अब ट्रेड डिस्काउंट कितना बना टू लाख की वैल्यूज के ऊपर फाइव परसेंट था दैट मीन सॉरी टेन परसेंट है दैट मीन ट्वेंटी थाउजेंड राइट अब टोटल आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है जो आपको बुक्स में प्रेजेंट करनी है वो कितनी आ गई वन एटी अब डियर आपको इसको अलग करना है कि इसमें से कितने वैल्यू की गुड्स आपने कैश में परचेज की हैं और कितने वैल्यू की क्रेडिट में परचेज की हैं इसको अलग कीजिए अब जैसे इस स्टेटमेंट में आफ्टर टेडी लेस करने के बाद मैंने आपको क्या कहा कि कितनी कैश में की कितनी क्रेडिट में अब दी गई स्टेटमेंट में पढ़िए कि हाफ अमाउंट ऑफ पेड एट द टाइम ऑफ परचेज दैट मीन हाफ आपने कैश में परचेज की और हाफ आपने क्या की क्रेडिट में अब ऐसी कंडीशन में हाफ इस अमाउंट का हाफ करेंगे तो नाइन्टी थाउजेंड और नाइन्टी थाउजेंड दैट मीन नाइन्टी थाउजेंड जो आपने कैश में परचेज़ की हैं अब जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो उस नाइन्टी थाउजेंड के अमाउंट पर लगना है ना कि जो क्रेडिट परचेज की उसके अकॉर्डिंग अब जो क्रेडिट परचेज की है उसको आपको नहीं देखना वो एज़ इट इज़ आपने कहाँ मेंशन कर देना है त्री क्रेडिट द गिवर्स में लेकिन जो आपने कैश परचेज़ की अब वो कैश परचेज़ की है तो उसके ऊपर आपको कितने परसेंट डिस्काउंट है फाइव परसेंट तो उस नाइन्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे दैट मीन फोर्टी फाइव हंड्रेड दैट मीन आपने उसके लिए पेमेंट कितनी की ट्वेंट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इस तरह से आपको क्या करना है अपना फाइंड आउट करना है कि आपकी परचेज़ वैल्यू क्या आई टीडी लेस करने के बाद वो मेंशन कर दी वन लैख एटी थाउजेंड और जो आपने कैश पेड किया वो कितना किया आपने किए है एटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ फोर्टी फाइव हंड्रेड और बाकी आपने जो क्रेडिट परचेज की नेम में डाल दिया क्लियर डियर तो चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं एक और इसी तरह की अब डियर इस ट्रांजेक्शन में देखिए सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर फिफ्टी थाउजेंड एट टर्म ऑफ फोर परसेंट कैश डिस्काउंट एंड ट्वेंटी परसेंट ट्रेड डिस्काउंट हाफ अमाउंट रिसीव्ड बाई कैश अब इस ट्रांजेक्शन में भी क्या है बहुत टाइप ऑफ डिस्काउंट मैंशन है और सम गुड्स आर परचेज इन कैश एंड सम गुड्स आर परचेज इन क्रेडिट कुछ गुड्स सुधार में खरीदी कुछ कैश में सेम यहाँ मैंने अलग कर दिए कि यहाँ आपके पास अकाउंट हैं गुड्स कैश डिस्काउंट पेड एंड डोप्योर इफेक्टेड क्या होगा गुड्स एसेट्स है कैश भी एसेट्स है डिस्काउंट रिसीव इनकम हो जाएगी और नुपुर नेम है तो आपका नेचर ऑफ अकाउंट इफेक्टेड है गुड्स और कैश में रियल डिस्काउंट पेड में नॉमिनल एंड नुपुर में पर्सनल अकाउंट तो अब ऐसी कंडीशन में जो गुड्स आपसे जारी हैं सेल करते वक्त तो इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश आ रहा है डेबिट वर्ड कम्स इन जब कैश आपके पास आता है अगर आपको उस वक्त डिस्काउंट पे करना पड़ेगा आपके लिए एज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट ऑल द एक्सपेंस और नुपुर क्योंकि कुछ गुड्स क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो रिसीवर को हम क्या करके चलते हैं डेबिट तो डेबिट द रिसीवर तो अब ऐसी कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या क्रिएट हो जाती है गुड्स को हमने सीखा है कि आप कन्वर्ट कर दोगे किस में सेल अकाउंट में कैश आपके पास आया तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट नुपुर डेबिट टू सेल्स अकाउंट अब यहाँ भी मेजर वही कि अमाउंट कैसे मैं फाइंड आउट करें तो सेम मेथड फॉलो करना है डियर सबसे पहले आपको क्या करना है देखना है कि टोटल वैल्यू ऑफ़ गुड्स कितने की हैं दैट मीन इन्वाइस वैल्यू कितनी है उसमें से आपको लेस करना है टीडी टीडी लेस करके डायरेक्ट क्योंकि टीडी डायरेक्ट इन्वाइस वैल्यू में से डिक्रीज होगा टीडी लेस करोगे टीडी डी यहाँ कितने परसेंट है ट्वेंटी परसेंट तो आपने लेस किया आपके पास वैल्यू आ गई कितनी फोर्टी थाउजेंड ये आपकी किस कौन सी वैल्यू आ जाएगी यहाँ सेल्स वैल्यू राइट अब आपको इस अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि कितना आपने कैश पे किया और कितना क्रेडिट पे ख़रीदा या सॉरी सेल किया मतलब कितने के लिए आपको कैश पेमेंट मिल चुकी है और कितना आपने अभी क्रेडिट पे सेल किया है जिसकी पेमेंट आपको बाद में रिसीव होगी अब दी हुई स्टेटमेंट को दोबारा रीड करोगे उसने कहा हाफ अमाउंट वर रिसीव्ड बाय कैश दैट मीन हाफ गुड्स आपने कैश में बेची दैट मीन ट्वेंटी थाउजेंड की गुड्स आपने क्या की हैं कैश में सेल की हैं और ट्वेंटी थाउजेंड की क्रेडिट में अब आपको क्रेडिट नहीं देखना जो आपने कैश में सेल की कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी के ऊपर चार्ज होगा कैश डिस्काउंट की वैल्यू कितने परसेंट है फोर परसेंट तो आप ट्वेंटी थाउजेंड का फोर परसेंट फाइंड आउट करोगे फोर बाय हंड्रेड दैट मीन कितना हो जाएगा डियर एट हंड्रेड दैट मीन आपने पेमेंट कितनी की कैश पेड किया नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड राइट और आपने डिस्काउंट अलाउ कितना किया डियर एट हंड्रेड अब आप इसको किस में प्रजेंट कर दोगे आपकी जर्नल एंट्री में आपकी सेल वैल्यू कितनी आई थी फोर्टी थाउजेंट राइट डियर अब आपने कैश कितना रिसीव की किया है सॉरी रिसीव आएगा रिसीव कितना किया नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड डिस्काउंट कितना अलाउ किया एट हंड्रेड क्रेडिट मिस कितनी सेल की ट्वेंटी थाउजेंड ओके डियर कन्फ्यूज नहीं होना आराम से आपको क्या करना है स्टेटमेंट को रीड करना और बहुत डिस्काउंट इस तरह से फाइंड आउट करके प्रजेंट करना है अब इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर क्योंकि बिजनेस अपनी कुछ ट्रांजेक्शन थ्रू द बैंक भी करता है डियर बैंक जैसा कि हमने पीछे सीखा है कि बैंक एज ए पर्सनल अकाउंट है और डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के लिए रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर मीन जब बिजनेस से बैंक रिसीव करेगा या बिजनेस की तरफ से बैंक रिसीव करेगा तो वो डेबिट होगा और जब बैंक से पैसा निकाला जाएगा देने वाला कौन होगा बैंक तो दैट मीन क्रेडिट द गिवर होगा लेकिन इसको थोड़ा सा जर्नल एंट्री करते वक्त कई बार बच्चों में कन्फ्यूज़न आ जाता है तो उसको थोड़ा सा और ईजी करता यार तो अगर हम उसको एज ए अजम्पन बैंक बैलेंस ट्रीट करें और बैंक बैलेंस एजम्पन ट्रीट करोगे तो डियर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा क्या रियल अकाउंट क्योंकि बैंक अकाउंट वैसे भी बैलेंस बचा हुआ किसका पार्ट है एसेट्स का पार्ट है तो इसीलिए उसको हम एज ए ट्रीट करते हैं बैंक बैलेंस और उस कंडीशन में वो रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज़ आउट दैट मीन आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हुआ तो आपके पास पैसा आया तो डेबिट वट कम्स इन और अगर बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट वट गोज आउट मीन आपको ध्यान रखना है जैसा कि हम लोगों ने कैश और के टाइम किया कि पैसा जब आता है कैश जब आता है बिजनेस में तो डेबिट वट कम्स इन और वेन गो तो देन क्रेडिट वट गोज आउट मीन उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट सेम कंडीशन अगर पेमेंट बाय चेक बाय ड्राफ्ट बाय बैंक बोला हो तो उस कंडीशन में डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट मीन जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा आएगा बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट कर देना और बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट कर देना अब कुछ ट्रांजेक्शन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक से रिलेटेड क्या क्या, -क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं रुपीज फाइव थाउजेंड कैश इज डिपोजिट इन टू बैंक पांच हजार रुपए कैश बैंक में जमा करवाए तो ऐसे में एक इफेक्टेड हो रहा है कैश और एक बैंक अकाउंट जैसा अभी मैंने समझाया दोनों एसेट्स दोनों रियल अकाउंट अब बिजनेस से क्या जा रहा है कैश जा रहा है और बैंक बैलेंस आ रहा है दैट मीन क्रेडिट वट गोज आउट और डेबिट वट कम इन तब ऐसी कंडीशन में आप एंट्री क्या कर दोगे वही कि दैट मीन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज फाइव थाउजेंड आई थिंक क्लियर हो गया डियर कि आपने कैश क्रेडिट क्यों किया और बैंक डेबिट क्यों किया अब इसी ट्रांजेक्शन में अगर ये वर्डिंग बोल देता कि कैश विड्रो फ्रॉम बैंक दैट मीन अगर इसकी जगह आपके पास होता कैश विड्रो फ्रॉम बैंक तब क्या कर डियर अब उस कंडीशन में आपके पास एक ही चीज़ होती बिजनेस में कैश आ रहा है सेम अकाउंट इफेक्टेड होते कैश और बैंक दोनों एसेट्स दोनों रियल लेकिन अब यहाँ रूल क्या हो जाता चेंज हो जाता उस कंडीशन में उस कंडीशन में आपके लिए इस एंट्री में रूल क्या लगता कैश आपके पास आ रहा है डेबिट वट कम्स इन और क्रेडिट वट गोज आउट दैट मीन आप कैश को डेबिट कर दोगे और बैंक को क्रेडिट कर दोगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू, टू बैंक अकाउंट 2000 थाउजेंट रुपीज डियर अब इस एंट्री में देखिए पेड टू एक्स रुपीज थ्री थाउजेंड बाय बैंक लिखाओ पेमेंट करते वक्त बाय चेक लिखाओ बाय ड्राफ्ट लिखाओ चाहे जैसे कहा पेड रेंट रुपीज़ ट्वेल्व थाउजेंड बाय बैंक अब इस कंडीशन में भी पेमेंट किसके थ्रू है बैंक के थ्रू यहाँ चेक लिखा होता प्रोप राइटर विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़ और प्रोप राइटर ने बैंक से निकाले पर्सनल यूज़ के लिए अब इन तीनों ट्रांजेक्शन में अगर आप ध्यान से स्टडी करो तो आपका बैंक में से पेमेंट क्या हो रही है जा रही है बैंक बैलेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो अब ऐसी कंडीशन में तीनों ट्रांजेक्शन में एक अगर फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखें तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट वट गोज़ आउट तो दैट मीन बैंक बैलेंस जा रहा है थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड दैट मीन जब कैश देते थे तो कैश जाता था अब बैंक जा रहा है रेंट के लिए पेमेंट की एज ए एक्सपेंस रेंट क्या होता है एज ए एक्सपेंस तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस क्रेडिट व्हाट गोज आउट दैट मीन बैंक बैलेंस जा रहा है रियल अकाउंट इफेक्ट ट्वेल्व थाउजेंट ओके डियर पे ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया ऑनर द्वारा जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो हम किससे मैंशन करते हैं ड्रॉइंग से तो ऐसे में अकाउंट डेबिट टू लेकिन पेमेंट की जगह क्या जा रहा है बैंक बैलेंस तो इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट दैट मीन डेबिट द रिसीवर ड्रॉइंग अकाउंट के लिए एप्लीकेबल हुआ और क्रेडिट वट गोज आउट बैंक अकाउंट के लिए ओके डियर डियर अब जो मेजर पॉइंट यहाँ थोड़ा ज़्यादा समझने वाला है जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पेमेंट बचाए बैंक हो चाहे चेक हो चाहे ड्राफ्ट हो आपका बैंक बैलेंस आ रहा है क्रेडिट गोज आउट बैंक बैलेंस को आपको क्रेडिट कर देना है लेकिन अगर ड्राफ्ट या चेक आप कस्टमर से रिसीव कर रहे हो तो आपको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि चेक सेम डे बैंक में सेंड किया जा चुका है दैट मीन डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे या नॉट Sent into bank same day. उस चेक को सेम बैंक में भेजा नहीं गया अगर उसको में करवा दिया, तो 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 उस कंडीशन में बैंक अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट दैट मीन एसेट्स आ गई डेबिट क्रेडिट द गिवर प्रेजेंट कर दोगे। लेकिन अगर सेम डे चेक डिपोजिट नहीं होता बैंक में नहीं भेजते तो वो चेक अभी आपके बैंक में नहीं पहुंचा आपके इलमिला में पर छोड़ दिया आपने उस दिन के लिए तो उस कंडीशन में एसर्ट आई तो है बिजनेस में आई है उसको ट्रीट करेंगे एज ए चेक इन हैंड और किससे आई कस्टमर से तो क्रेडिट द गिवर दैट मीन उस कंडीशन में एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट और जैसे ही वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे जिस डेट को डिपॉजिट कराओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तो चेक इन हैंड अकाउंट एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं चेक रिसीव फ्रॉम रजीव रुपीज फाइव थाउजेंड डिपोजिट इन टू बैंक इमिजिएटलीट मीन फर्स्ट जैन को चेक रिसीव हुआ सेम डेट या इमीजिएटली क्या कर दिया गया बैंक में डिपोजिट करवा दिया गया तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू तो, रजीव बैलेंस आ गया कस्टमर से आ गया क्रेडिट द गिवर डायरेक्ट बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दोगे लेकिन सेकेंड ट्रांजेक्शन में देखिए जैसा कहा कि थर्ड जैन को कि चेक रिसीव फ्रॉम समर रुपीज टेन थाउजेंड डिपॉजिट इन टू बैंक आफ्टर टू डेज बैंक में डिपॉजिट कर, कराया गया दो दिन बाद तो ऐसे में तीन तारीख को जिस तारीख को चेक रिसीव हुआ एंट्री करेंगे क्या चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू समर डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट द गिवर गिवर दिखाएंगे लेकिन एसेट्स आई उसी तरह से टेन थाउजेंड लेकिन अभी बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ उस तारीख को बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होगा जिस तारीख को वो डिपॉजिट कराया डिपॉजिट कब करवाया फिफ्थ चैन को तो फिफ्थ चैन को हम क्या एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड दैट मीन डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज आउट चेक आपसे चला गया एक एसेट आपसे चली गई दूसरी आ गई तो इस तरह से चेक और ड्राफ्ट रिसीविंग के टाइम आपको ध्यान रखना डियर एक और एंट्री भी हो सकती है कि कहा जाए कि कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट उस कंडीशन में भी सेम एंट्री होती है अगर जैसे कहा जाता है कि राजीव डायरेक्टली फाइव थाउजेंड डिपॉजिट इनटू आवर बिजनेस बैंक अकाउंट उसने अपने बिजनेस हमारे बिजनेस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए तो वही हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता डेबिट कम्स इन और देने वाला कौन क्रेडिट गिवर उस कंडीशन में भी यही एंट्री क्रिएट हो जाएगी दो तो एंट्री बैंक से रिलेटेड हो सकती है जैसा कि हमें पता है कि बैंक में जो पैसा हमारा डिपॉजिट होता है बैंक हमें उस पर इंटरेस्ट देता है लेकिन अगर हम अपनी कुछ ट्रांजेक्शन कुछ लेन देन थ्रू द बैंक करते हैं हमने बिल का भुगतान करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कई बार बैंक कुछ एक्सपेंस चार्ज भी करता है तो ऐसे में बैंक द्वारा अगर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया गया तो एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा अगर हमें हमारी डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया देगा बैंक तो हम एज ए इनकम ट्रीट करेंगे लेकिन वो कभी हम कैश में लेन देन नहीं करते वो हमारे अकाउंट से ही क्या कर देता है डिडक्ट कर देता है या हमारे अकाउंट में ही ऐड कर देता है जब आप अपनी पासबुक मेंटेन करवाओगे तो आप देखना कि उसमें वो ट्रीट किया हुआ होता है तो अगर आप उसने चार्ज किया तो आप एंट्री क्या करोगे एज ए एक्सपेंस है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट डेबिट ऑल द एक्सपेंस इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया और बैंक बैलेंस जा रहा है क्रेडिट वर्ट गोज़ आउट तो बैंक को क्रेडिट करोगे सेम एज जब वो आपको इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो आपके लिए इनकम है इसलिए इनकम बिजनेस में नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है इसलिए क्रेडिट की जाएगी और क्योंकि वो भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट जोड़ी गई है आपको कैश में पे नहीं की गई कैश के रूप में तो जब आप निकालोगे तभी मिलेगी आपके अकाउंट में प्लस कर दी जाती है बैंक बैलेंस बढ़ गया तो इसलिए हम उसको एज ए एसेट डेबिट वट कम्स इन की तरह ट्रीट कर देंगे दैट मीन डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट ऑल द इनकम इसी तरह से डी अगर कोई एज ए बैंक चार्जेस के रूप में उसने किया हमने ड्राफ्ट बनाया तो उसने एज ए बैंक चार्जेस काटे तो वो भी एज ए एक्सपेंसिव ट्रीट होगा दैट मींस बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वो भी हमारे अकाउंट से वो क्या कर लेगा डिडक्ट कर देगा थैंक यू हैव ए नाइस डे नेक्स्ट कुछ के साथ नेक्स्ट वीडियो, वीडियो में मिलेंगे